आपको बता दें ये पूरा मामला बांदा जिले का है, जहां एक को जिला प्रशासन और कोरोना वॉरियर्स रात दिन कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए अपना घर परिवार भूलकर खुद की जान जोखिम में डालकर रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। यही करोड़ों से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं कोरोना वॉरियर्स को है। समाज को बचाने के लिए समर्पण भाव से काम कर रही पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कर्मी, प्रशासकीय अधिकारी, मीडिया कर्मी और घर घर जरूरी सामान पहुंचाने वाले लोग समाज सेवी के लिए संक्रमण सुरक्षा के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों के ताजे काढ़े और कुछ दवाइयां वितरित करने का संकल्प जनपद के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नीरज सोनी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मंडी समिति बांदा द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 4 टीमों का गठन कर उपरोक्त सभी विभागों में 7 दिन तक लगातार औषधि निःशुल्क वितरण की जाएगी। दवाइयां और आयुर्वेदिक काढ़े के बारे में बताते हुए डॉक्टर नीरज सोनी ने कहा है कि इस काढ़े को पीने से रोज सुबह कोविड-19 की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को पिलाया जाएगा तो समानता इन औषधियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा एवं सुरक्षित प्रमाणित है। इस योजना की स्वीकृति जिलाधिकारी से मिल गई है।